हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी टाटा सफारी के अपडेट्स के बारे में। गाइस आज की इस वाली वीडियो में आपको जो भी अपडेट्स आने वाले हैं उसके बारे में सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई सब आपने काफ़ी स्पाइस शॉट देखे होंगे टाटा सफारी टेस्टिंग होते हुए लॉन्च होने के बाद भी। गाइस अपडेट्स जो भी आने वाला है आज की इस वाली वीडियो में वही बताने वाला हूँ। भाई अपडेट, पहले अपडेट की बात करते हैं जो कि इसका पेट्रोल इंजन। गाइस पेट्रोल इंजन इसको ज़रूरत है सेगमेंट के हिसाब से, इसकी मतलब डिमांड कर रहा है सेगमेंट पेट्रोल इंजन, जो कि अब टाटा इंट्रोड्यूस कर देगा। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आने वाला है। इसके राइवल महिंद्रा में भी आता है, महिंद्रा 700 में भी आता है पेट्रोल इंजन। बात करें इसके सेकेंड अपडेट की, गाइस सेकेंड अपडेट जो है इसका 360 डिग्री कैमरा आ जाएगा, ताकि जैसे ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो जो नए ड्राइवर होते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अनुमान लगाना, उसकी वजह से इसमें 360 डिग्री कैमरा भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करें थर्ड अपडेट इसका ऑल व्हील ड्राइव। गाइस इसमें ऑल व्हील ड्राइव आ जाएगा, ताकि जैसे टाटा सफारी है जिसकी इमेज बनी है ना, तो वो 4x4 से बनी है रगेड SUV के नाम पर। भले ही इनको इसको काफ़ी लग्जूरियस बना दिया हो, पर इसकी इमेज जो थी वो सिर्फ रगेड SUV की थी और उसमें 4x4 आता था। उसी को रिटेन करते हुए इसमें ऑल व्हील ड्राइव दे देंगे, 4x4 तो नहीं ऑल व्हील ड्राइव आ जाएगा। बात करें इसके फोर्थ अपडेट की, गाइस फोर्थ अपडेट इसका है एडास का। गाइस एडास इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि इसका सेगमेंट मांग रहा है, डिमांड हो रही है एडास की। एडास आजकल बहुत चलने लगा है और काफ़ी गाड़ियों में आता भी है, तो अब टाटा भी इसको इंट्रोड्यूस कर देगा टाटा सफारी में। बात करें इसके थर्ड अपडेट की, भाई थर्ड अपडेट इतना कुछ नहीं है, इसके लुक्स चेंज हो जाएंगे, माइनर ट्विक हो जाएगा, और लुक्स में थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करने वाले, वैसी गाड़ी काफ़ी अच्छी दिखती है, ज़्यादा ऊंचा नीचा कुछ नहीं होने वाला, और छोटा मोटा लुक्स में अपडेट आएगा। बात करें इसके सिक्स्थ अपडेट की, जो कि है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। सफारी का जब से लॉन्च हुई है, रिव्यूअर हो कोई भी हो, उसने इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेगी ही बताया है कि लेग मारता है और अच्छा नहीं चलता है। उसी को देखते हुए टाटा सफारी में नया इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा, ताकि सेगमेंट के हिसाब से ये मैनेज कर पाए। और भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम आज की तारीख में जो मतलब गाड़ी चलाते टाइम उस पर नज़र जाती है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाड़ी चलाते टाइम टाटा सफारी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक्सेस करना। आपको कुछ लगाना है तो आपको रुक के लगाना पड़ेगा, वरना आपका ध्यान जो है रोड से वो हटेगा, जो कि सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छा नहीं है। और इसी को देखते हुए टाटा अब नया इंफोटेनमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगी। उसमें एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो फुल स्क्रीन चलेगा, अभी जो आधी स्क्रीन चलता है। और गाइस जो इसका कैमरा क्वालिटी है, 360 डिग्री कैमरा आएगा, उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ करेगा टाटा, अच्छी करेगा, ताकि सेगमेंट में एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाए, और बाकी इसमें मोड्स आते ही है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।